इसी भूमि को देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं गंगा पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसी दिव्य तथा रमणीक स्थल पर स्थित है लगभग 200 एकड़ में स्थित युग तीर्थ शांति कुंज। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा वंदनीय माता भगवती देवी द्वारा सन 1971 में स्थापित शांति कुंज नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के एक विराट आंदोलन के रूप में उभरा है। ऋषि युग्म प्रणीत उज्जवल भविष्य के अवतरण के संकल्प को साकार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ शांति कुंज का सूत्र वाक्य है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। लगभग 5 दशक पूर्व आचार्य श्री ने एक ऐसे समग्र शिक्षा केंद्र की संकल्पना की थी जहां मानवीय मूल्यों को समर्पित युवा पीढ़ी का निर्माण किया जा सके। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कल्पना साकार हुई सन 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ। दिल्ली देहरादून नीति पास हाईवे पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस विश्वविद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ये विश्वविद्यालय लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में फैला है। प्राचीन नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों की परंपरा में विकसित किए जा रहे इस शिक्षण संस्थान में प्राचीन भारतीय विज्ञान के अंगों योग, आयुर्वेद, ज्योतिर्विज्ञान और जीवन साधना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और शोध पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालय वर्तमान में योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य, व्यावहारिक योग एवं मानव उत्कर्ष, नैदानिक मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पत्रकारिता एवं जनसंचार, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन अध्ययन, अप्लाइड एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री प्रदान कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत मानव चेतना एवं वैकल्पिक चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष, पत्रकारिता तथा एनिमेशन एवं विजुअल इफेक्ट्स के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योग विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, ग्राम प्रबंधन तथा धर्म विज्ञान विषयों में 6 माह के विशेष सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। बीए एवं बीएससी के 5 इंटीग्रेटेड कोर्सेज की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ यहाँ अंग्रेजी, देव भाषा संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को निष्णात किया जाता है। पूर्णतः आवासीय इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों के लगभग 1000 विद्यार्थी साथ साथ रहकर एक समय में विद्याध्ययन करते हैं। इनमें देश के 20 से अधिक प्रांतों के अलावा कई देशों के विद्यार्थी शामिल हैं। पाठ्यक्रम की अवधि खत्म होने के बाद विषय का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए इंटर्नशिप कराई जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इंटर्नशिप की नई परिभाषा गढ़ी है जिसके अनुसार समाज के लिए उपयोगी लोक सेवी कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी तैयार करने हेतु सभी विषयों में 3 माह की अवधि इंटर्नशिप हेतु रखी गई है। वर्ष 2002 से 2009 तक हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक और राजस्थान से लेकर सिक्किम तक 22 से अधिक राज्यों में विश्वविद्यालय की 559 टोलियों ने देव संस्कृति के आलोक को पहुंचाया है। इन टोलियों ने 12,500 से अधिक पंच दिवसीय योग शिविर और 24,000 से ज्यादा स्वास्थ्य प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण जैसे अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। शिक्षा रोजगार परक हो, इस पर चिंतन प्रायः सभी शिक्षाविदों ने किया है, किंतु सामाजिक मूल्यों और दायित्वों की समझ विद्यार्थियों में पैदा की जाए, ये पहल देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने ही की है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या स्वयं
श्रीमद् भगवत गीता, साधना और ध्यान के गुण सूत्र विद्यार्थियों को समझाते हैं तथा व्यक्तित्व परिष्कार हेतु उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। सारे शिक्षण के मूल में है यह प्रत्येक पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले संपन्न होने वाले ज्ञान दीक्षा समारोह। एक विशेष वातावरण में कुलाधिपति स्वयं छात्र छात्राओं को दीक्षित करते हैं, जिसका प्रभाव शिक्षण काल में सदैव रहता है। विद्यार्थियों को शिक्षण से संबंधित आधुनिक साधन सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं। इंटरनेट शिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण सभी पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग है। विश्वविद्यालय भवन के ठीक सामने स्थित है प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर। इस दिव्य शिवालय में विराट शिवलिंग स्थापित है। नैसर्गिक वातावरण में सूरम हरियाली के बीच ये मंदिर ध्यान साधना के लिए आदर्श स्थल है। ये पूरा परिसर मुख्यतः एक रिंग रोड के इर्द गिर्द विकसित किया गया है। महाकाल मंदिर के दाहिनी ओर के मार्ग में कुलाधिपति जी का कार्यालय है। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भेंट परामर्श तथा विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। सन 2002 में स्थापित इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड सरकार के एक्ट द्वारा की गई है और भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC से विधिवत मान्यता प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय अभी अपने निर्माण के दौर से गुजर रहा है। ॐ अग्निर्नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यास्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय हमने कुछ सपने संजोए थे, कुछ संकल्प किए थे। हमारा सबसे पहला संकल्प था कि इस विश्वविद्यालय को ढर्रे पर चलने वाली शिक्षण संस्था तक नहीं सीमित रखने दिया जाए। हमारे इस आंदोलन के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है आध्यात्मिक मानवतावाद, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। दूसरा है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक मानवतावाद की यदि हम संक्षिप्त व्याख्या करें तो यह बस इतनी है कि अपने व्यक्तित्व की शक्तियों को विकसित करके मानव कल्याण के लिए समर्पित होना। हम अपने अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को इसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमारा दूसरा सूत्र है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। इसकी व्याख्या में हम केवल इतना कहेंगे कि हमारा हृदय पवित्रता से भरा हो और हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक प्रयोगों को ताना बाना बुना जाता रहे तो ही यह सूत्र सार्थक होता है। हार्ट फील्ड विद स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड माइंड नीटिंग द वेब ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन कैन प्रोड्यूस मिरेकल्स फॉर द सोसाइटी एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेज। हमारा दूसरा संकल्प है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से उठ खड़ा होने वाला युवा आंदोलन ज्ञान क्रांति के अग्निपथ पर तेजी से बढ़ चले। हमारा तीसरा और अंतिम स्वप्न संकल्प विश्वविद्यालय के अस्तित्व से जुड़ा है, वह यह है कि हमारे स्वप्न और संकल्प हमारे अकेले के स्वप्न और संकल्प न रहें। अपने विश्वविद्यालय का प्रत्येक युवा इसे अपना स्वप्न संकल्प बनाए, इसके अग्नि स्फुल्लिंग भारत के प्रत्येक शहर और गांव में रहने वाले युवकों तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू टुडे इवनिंग बिकॉज वेरी रेयरली एजुकेशन इंटेग्रेट्स डिवाइन लाइफ। I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. God bless you.
विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम और इंद्रिय संयम, ये चार संयमों का पालन, जो चार का मैनेजमेंट जो कर लेता है वो अपने रिसोर्सेस को सही ढंग से चैनलाइज कर सकता है। हम लोग वो संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके माध्यम से वो चीज़ें जो आज विश्वविद्यालय में पनप रही हैं वो न हो। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारी मार्गदर्शक गुरु सत्ता पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की संकल्पना विचार योजना है, जिसके साकार स्वरूप के आज हम ही सभी साझेदार हैं, भागीदार हैं। एक दशक की इसकी छोटी सी यात्रा में साल दर साल नए आयाम जुड़ते गए, ऐसा आप सभी के सम्मिलित सहयोग प्रसाद संभव हो सका है। शांति कुंज द सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट फाउंडेड देव संस्कृति विश्वविद्यालय हैज डन ए ग्रेट सर्विस बाय एस्टैब्लिशिंग दिस इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड दीज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आई एम ऑल्सो डिलाइटेड that your institution mandates every student to undertake a course on life management to imbibe social responsibility through internship programs, institutionalizing life-based knowledge and exposure through the medium of academic curricula is a practice that is worth emulating. By endowing the students with the diverse perspectives of life, this Vishwavidyalaya seeks to give them an in-depth world view of modernity. It is the innovative ideas and the holistic education that Vishwavidyalaya imparts which has made it a center of excellence that attracts students from India and abroad, including Russia, Iran, Germany, Nepal, Sri Lanka, Japan, Spain, Czech Republic, China, and South Korea. विश्वविद्यालय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन आदि विषयों पर राष्ट्रीय सेमिनारों के माध्यम से देश विदेश के प्रमुख विद्वान भागीदारी करते हैं। विश्वविद्यालय के युवा संगठन डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया ने नई पीढ़ी में भारतीय संस्कारों को पुनरूपित करने का बीड़ा उठाया है। यह जन विश्वविद्यालय पूर्णतया स्वायत्तीय है एवं भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले भावनाशील परिजनों के अंशदान से संचालित है। इस विराट विद्या केंद्र में उन व्यक्तियों के अंशदान की आहुतियों की अपेक्षा रखी गई है जो देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये भारत फिर से जगत गुरु बनकर संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने पिछले अपनी 11 वर्ष की यात्रा में 12 देशों के साथ लगभग 15 इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की। इसमें जो महत्वपूर्ण देश हैं वो हैं इटली, रशिया, लात्विया, ग्रीस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इंडोनेशिया है, अमेरिका और यूक्रेन। इन सब देशों के साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं और इनके साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं जिसमें कि इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स वहाँ के हमारे यहाँ आएंगे और यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे। यहाँ जो सीख रहे हैं वो भारतीय संस्कृति प्रधान शिक्षण वो विदेश में सिखाएंगे, विदेश के लोग यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति प्रधान शिक्षण लेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और लगातार 5 वर्ष से इंटरनेशनल योग फेस्टिवल चल रहा है। Had to the occasion to meet the family of peace, which is not only our family but is the global family of peace of all the world. So it was a great occasion for us. अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी पहचान बना रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय को देखने के लिए आने वाले विदेशियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ती चली जाएगी।